हेलो क्लास एलेवन स्टूडेंट वेलकम टू आवर चैनल आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर वन जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन ये है लेक्चर टू लेक्चर वन में हमने कुछ टॉपिक्स छोड़ दिए थे जो हम इन इस लेक्चर टू में कवर करेंगे सो लेट स्टार्ट पहला हमारा टॉपिक आता है मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में मेन जो हमारा रोल है वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम करता है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प कराता है यूजर को ताकि वो मोबाइल के हार्डवेयर से इंटरेक्ट हो सके अपने स्पेसिफिक एप्लीकेशंस रन करा सके स्पेसिफिक टास्क कर सके और अपने प्रोग्राम्स को रन करा सके जो मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है आपके एंड्रॉयड जो वेरी पॉपुलर है चीप भी है गूगल ने उसको इन्वाइट करा था ये लिनक्स बेस्ड भी है आपका एंड्रॉयड एंड आता है देन हमारा एप्पल ओ एस एपल ओ जो है वेरी एक्सपेंसिव है और ज़्यादातर ये आपको आई लाइक आई फोन आई पैड मैक ओ इन सब में ही मिलेगा अदर आता है आपका विंडोज़ विंडोज फोन में जो आपका आता है सिम्बियन भी होते हैं जो नोकिया ने डेवलप करा था बट विंडोज फोन जिसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ने करा okay, माइक्रोसॉफ्टेरी मतलब का अपना ओन ब्लैकबेरी के हार्डवेयर में आपको ब्लैकबेरी का ही सॉफ्टवेयर मिलेगा एंड उसका ही ओ एस मिलेगा सोलर्ट और अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज इसका मतलब क्या होता है मतलब कि हर एक कैरेक्टर इनकोडेड किया जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकसिटी कम्युनिकेशन के लिए मतलब कि हर एक अल्फाबेट का अपना ही एक अलग वैल्यू होगी ताकि कंप्यूटर को समझने में इजी हो कंप्यूटर आपका कंप्यूटर बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझता मतलब कि ए बी सी इस तरह से कंप्यूटर के साथ आप इंट्रैक्ट नहीं कर सकते आपको ट्रांसलेटर चाहिए होता है या कुछ चाहिए होती है वैल्यू जो सिर्फ कंप्यूटर समझे कंप्यूटर ओनली नंबर्स की फॉर्म में समझ सकता है तो इसके लिए हर कैरेक्टर को उसकी एक वैल्यू दी गई है और उसके हिसाब से एक चार्ट बनाया गया जैसे कि एज एन एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कैपिटल ए अगर हम अपने की में कैपिटल ए प्रेस करेंगे हमें यहाँ पे कैपिटल ए दिखेगा अपनी मॉनिटर पे बट जो अंदर प्रोसेसिंग हो रही है कंप्यूटर जो लेगा वो सिक्सटी फाइव वैल्यू लेगा कैपिटल ए को एक सिक्सटी फाइव वैल्यू असाइन कर दी गई है जिसके थ्रू कंप्यूटर को रिकॉग्नाइज करने में ईजी हो कि वो कैपिटल ए है उसी की तरह स्मॉल ए की भी अलग ले रखी है अगर ये दोनों सेम होंगे तो कन्फ्यूज हो जाएगा कैपिटल ए अकाउंट से और स्मॉल ए अकाउंट से इसलिए इन दोनों की वैल्यू ही डिफरेंट होती है स्काइल वैल्यू लेट मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक जो है आईसेक आईसेक मतलब इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज ये जो है एक तरह से स्काइल वैल्यू की तरह ही है बट जो स्काइल वैल्यू है वो सेवन बिट का है ये जो है एट बिट का है एंड ये बेसिकली इंडियंस के लिए है इसमें जो है हमारा इंडियन लैंग्वेज और इंडियन स्कीमास के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमने इनकोड किए हैं हर एक कैरेक्टर को अलग अलग इनकोडेड करा है तो उसके हिसाब से है मींस वो हमारा स्टैंडर्ड है और ये जो है हमारा बेस्ड ऑन इंडियन लैंग्वेज है मतलब तो गुजराती होगी तमिल हो गई हिंदी हो गई बंगाली हो गई इनके हिसाब से हमने इसमें रिप्रेजेंट हुए हैं, हैं के के लिए। क्या है? उस number को represent करना, number के साथ work करना, साथ वो होता हमारा होते हैं हमारे जैसे कि की हो गया, octal हो गया, binary हो हो गई और हमारा नंबर सिस्टम तो आपके सामने ये आप टेबल देख रहे हैं इसमें आपको बहुत से जीरो टू जीरो टू एफ जो है हमारा हेक्साडेसिमल है डेसिमल जो है हमारा जीरो टू फिफ्टीन दे रखा है इसमें और जीरो टू सेवनटी हमें इसमें ऑक्टल दे रखा है और बाइनरी नंबर की भी रिप्रेजेंटेशन हमें दे रही है बेसिकली जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी नंबर में ही हमेशा कैलकुलेट करता है नंबर्स को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट और जो भी आपके डाउट हैं इस वीडियो से रिलेटेड और चैप्टर वन से रिलेटेड सो so आप कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में Thank you.